गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ आपके साथ शेयर करने क्लास यूकेजी का हिंदी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम। ये सारी वर्कशीट मैंने आपके बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर की है। आप इन वर्कशीट के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, डेफिनेटली बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क से ज्ञ ज्ञानी तक लिखे। बच्चों को हिंदी में सभी स्वर और सभी व्यंजनों का अच्छी तरह से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चों को व्यंजन और स्वरों का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होगा तो बच्चे शब्द जोड़ मात्राएं बनाना नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले बच्चों को क से लेकर ज्ञ ज्ञानी तक अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए। जैसे क से कबूतर, ख से खरबूजा, ग से गमला, घ से घड़ी, ङ खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, ङ खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। इस तरह बच्चों को क से लेकर ज्ञ ज्ञानी तक सभी व्यंजन लिखने आने बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर पर गोला लगाए व्यंजनों को रेखांकित करें। बच्चों ने जो स्वर है उन पर तो गोला लगाना है और जो व्यंजन है उनको रेखांकित करना है। जैसे ब, ब का क्या है, व्यंजन है, तो बच्चा ब को रेखांकित करेगा। ट क्या है, ट भी व्यंजन है, ट को इस तरह रेखांकित करेगा। अ क्या है, अ है स्वर, तो बच्चा इस तरह गोला लगा देगा। न, न व्यंजन है, न को रेखांकित करेगा। ई, ई क्या है, स्वर पर गोला लगा देगा। बड़ा उससे ऊन, ये क्या है, स्वर है, इस पर बच्चा गोला लगा देगा। तो इस तरह आप बच्चों को स्वर और व्यंजनों को मिक्स डाल कर दीजिए और बच्चों को बोलिए कि इसमें से स्वरों को छांटे और व्यंजनों को रेखांकित करें। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं, चित्र देखकर शब्द लिखो। ये क्या है, दीपक, दाको बड़ी ई, दी प क, दीपक। ये क्या है, आम, आको आ म, आम। की क्या है, दिल, दाको छोटी ई ल, दिल। ये क्या है, खुश, खाको छोटा ऊ श, खुश। ये क्या है, तीर, ताको बड़ी ई र, तीर। ये क्या है, छतरी, छ त री, छतरी। नेक्स्ट देखते हैं, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएं। बच्चों को अक्षरों को जोड़ना है और फिर इसका शब्द बनाना है। जैसे पाको छोटी ई न, पिन, दिल, डाको छोटी ई ल, दिल, बल, ब ल, बल, गरम, ग र म, गरम, पुल, पाको छोटा ऊ ल, पुल। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं, सही मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करें। बच्चों ने ये शब्द के बीच में सही मात्रा लगानी है। जैसे काम, काको आम, काम, अनार, नाको आर, अनार, बकरी, बकरी, हिरन, हाको छोटी ईरन, हिरन, बिल, बाको छोटी ईल, बिल, बड़ी, बड़ी। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं, चित्रों को पहचान कर सही शब्द से मिलाएं। बच्चों ने त
तस्वीर देखनी है और सही शब्द के साथ मिलान करना है, जैसे हार, हा को आर, हार, ये क्या है, बादल, बा को आदल, बादल, क्या है ये, इमली, 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 क्या है ये, किताब, का को छोटी, ता को आब, किताब, ये क्या है, कमल, 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 ये क्या है, सड़क, सड़क, सड़क। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बाद और बीच का अक्षर। अब बच्चों ने देखना है कि अगर पहले निशान है तो पहले वाला अक्षर, और अगर बाद को है तो बाद वाला अक्षर। जैसे ख, ख से पहले क्या आता है, क, ब, ब से पहले क्या आता है, फ, फ से फल, य और ल के बीच में क्या आता है, र, य, र, ल, ज, ज से पहले क्या आता है, छ, च, छ, ज। तो इस तरह आप बच्चों को बाद का, बीच का अक्षर की प्रैक्टिस करवाए। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं, सही शब्द पर गोला बनाओ। बच्चों ने पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो सही शब्द होगा उस पे उन्होंने गोला लगाना है। जैसे कार, कार, इस पे क्या है, चांद बिंदु लगा है कार पे, और इस पे आ की मात्रा लगी है, तो जो सही है उस पे बच्चा गोला लगाएगा इस तरह। बिल, बिल, कौन सा सही है, बिल सही है, तो बच्चा इस तरह गोला लगा देगा। जीप या जिप, जीप। नगन या ननग, नगन पे इस तरह बच्चा गोला लगा देगा। तितली कौन सा सही है, ये वाला, तो इस पे बच्चा क्या कर देगा, गोला लगा देगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिलते जुलते शब्द लिखे। पार, पार के साथ मिलता हुआ शब्द लिखें, जैसे हार, जार, नार, कीप का, जीप, दीप, दिल का, मिल, किल, ताली का, माली, कप का, जप, नाला का, जाला। इस तरह बच्चों को मिलते जुलते अगर शब्द लिखने आ गए तो बच्चा बहुत आसानी से रीडिंग और राइटिंग उसकी इम्प्रूव होती है हिंदी सब्जेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, छोटी की मात्रा वाले शब्द लिखे। बच्चों ने यहाँ पर छोटी की मात्रा से रिलेटेड शब्द लिख दिए, जैसे सिर, सा को छोटी ईर, सिर, दा को छोटी ईल, दिल, माँ को छोटी ईल, मिल, का को छोटी ईल, किल, हा को छोटी ई, रन, हिरन, माँ को छोटी ईलन, मिलन, डा को छोटी ई, वस, दिवस। नेक्स्ट है, बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखे। अब बच्चों ने यहाँ पर बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखने, जैसे जा को बड़ी ईप, जीप, दा को बड़ी ईप, दीप, का को बड़ी ईप, कीप। छोटी और बड़ी में बच्चों को ये आपने डिफरेंस समझाना है कि जब छोटी की मात्रा का उच्चारण करना है या हमने लिखना है तो जोर लगाकर नहीं बोलना, और जब हमने बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं तो हमने थोड़ा सा जोर लगाकर बोलना पड़ता है। जैसे जा को आ, ला को बड़ी, जा ली, मा ली, दी दी, पा पी, क र री, क रखबड़ी री करी, ज रखबड़ी री जरी। तो ये थी UKG के बच्चों के लिए हिंदी की वर्कशीट। आप इन वर्कशीट के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस करवाए, डेफिनेटली बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।